हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैथ स्पेशल क्लासेस। तो फ्रेंड्स, अब हम चलते हैं अपने टाइम एंड वर्क के आगे के क्वेश्चन की ओर, जो कि हम किरण पब्लिकेशन 8700 बुक से सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहां पे हमने टाइप 6 तक कंप्लीट देख लिए। टाइप 6 के कुछ क्वेश्चन और बचे हुए हैं, 10 to 15 क्वेश्चन, तो हम उन्हें भी कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोगों के पास में अगर किरण प्रकाशन की बुक है तो प्लीज़ ओपन कर लीजिएगा और हमारे साथ क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा। ठीक है, टाइप 6 के 20 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं, 21 से हम इस वीडियो में देखेंगे। ठीक है, तो टाइप 6 का क्वेश्चन नंबर 21 है आपकी स्क्रीन पर, ध्यान से देखिएगा। सिंपल क्वेश्चन है, एकदम बिंदास, एकदम अच्छा क्वेश्चन है। चलो तो सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ए बी की तुलना में 30% अधिक सक्षम है, अधिक कार्यकुशल है। मतलब ए बी की तुलना में, ए जो है बी के कंपेयर में 30% कितना होता है भाई, 3/10। ठीक है, जो कि मैंने परसेंटेज में बताया हुआ है। ए बी की तुलना में 30% अधिक सक्षम है। अगर ये 100 होगा तो ये 130 होगा, तो 10% मतलब 30% कितना होगा, 3/10, और 10 में 3 जोड़ दूंगा तो कितना हो जाएगा, 13। ये सारी चीज़ें कहाँ से सीखी जाती हैं, परसेंटेज चैप्टर से सीखी जाती हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो प्लीज़ आपसे निवेदन करूँगा, रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आपने परसेंटेज कंप्लीट नहीं किया तो प्लीज़ उसे कंप्लीट कर लीजिएगा, जिससे ये पॉइंट आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है ए बी की तुलना में 30% अधिक सक्षम है। कौन? ए सक्षम है अधिक। ठीक है, और वह अकेला, मतलब ए अकेला 23 दिन में एक काम कर सकता है। ए अकेला जो है कितने दिन में कर रहा है भाई, 23 दिन में पूरा कर सकता है। 23 दिन में अगर मैं ए की क्षमता, मतलब ए की जो एफिशिएंसी है उसका मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या हो जाएगा, ये टोटल वर्क निकल गया। अब क्वेश्चन बोल रहा है तदनुसार अगर वो ए प्लस बी दोनों मिलकर ये काम करे तो कितने दिन में करेंगे। क्वेश्चन दोबारा समझो, ए जो है बी से 30% अधिक कार्य कर सकता है एक ही दिन में, मतलब ये क्या है मेरी एफिशिएंसी। अगर मैं किसी भी एक व्यक्ति या दोनों के या कोई भी एक के अगर मुझे दिन पता है और मैं उसमें उसकी क्षमता का मल्टीप्लाई कर दूं एफिशिएंसी का, तो वो बन जाता है टोटल कार्य, मतलब टोटल वर्क, TW। अब इस कार्य को दोनों मिलकर करेंगे तो दोनों की एफिशिएंसी ऐड कर लूं भाई, 13 और 10 कितना होता है जरा बताइएगा, 10 और 13 हो गया 23, तो दोनों की एफिशिएंसी कितनी होगी, 23। 23 से भाग कर देंगे तो सिंपली आंसर निकल के आ जाएगा कितना, 13। तो 13 दिन में वो जो है दोनों मिलकर उस कार्य को कंप्लीट कर लेंगे। समझ गए, बहुत सिंपल क्वेश्चन है और अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, फटाफट से नोट कीजिएगा प्लीज। चलो फिर हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। क्वेश्चन नंबर 22 में क्या दिया हुआ है देख लेते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो क्वेश्चन नंबर 22 ध्यान से देखिएगा, 22 आपकी स्क्रीन पर है। ए किसी कार्य को 12 दिन में पूरा कर सकता है। ए के हमें दिन पता है, लेकिन ए की तुलना में बी 60% अधिक कार्यकुशल है। ए की तुलना में बी 60%, बी खुद बोल रहा है अपनी कि मैं जो है 60% अधिक कार्यकुशल है, मतलब ए की तुलना में बी, तो 60% कितना होता है, 3/5। तो 3/5, अगर 5 ए है तो बी कितना होगा, 5 और 3 8। ये भी हमने कहां से सीखा, परसेंटेज चैप्टर से। समझ गए, तो इसलिए हम जो है फर्स्ट पे परसेंटेज को रखते हैं। ठीक है, जिससे कि सारे एरियाज कंप्लीट हो जाते हैं, कवर हो जाते हैं। तो 5 और 8 हो गया। अब देखो यहाँ से टोटल वर्क निकाल लें, तो टोटल वर्क के लिए मुझे किसी ना किसी के दिन पता होने चाहिए। तो क्वेश्चन ने हमें दे रखे ए किसी कार्य को 12 दिन में कर लेता है, तो ए जो है 12 दिन में कर रहा है, अगर मैं उसके समय में उसकी क्षमता का मल्टीप्लाई कर दूं जो कि 5 है, तो हमारा क्या निकल के आएगा, टोटल वर्क। टोटल वर्क कितना हो गया, 60।
अब क्वेश्चन क्या बोलेगा वो देख लेते हैं। तो उसी कार्य को पूरा करने में बी को कितने दिन लगेंगे, तो भाई बी की इफिशियंसी भाग कर देंगे 60 डिवाइडेड बाई 8 कितना हो जाएगा, 4 से काट ले, 4 से कितनी बार 15 टाइम्स जाएगा, और 4 से 4 दुनी 8, 15 के आधे कितने हो जाएंगे 7, सही 1/2 दिन। समझ गए, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत आसान तरीके से आप कर सकते हो, ठीक है, फटाफट से नोट कीजिएगा प्लीज़। तो हमारा जो ऑप्शन हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलो फिर हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। क्वेश्चन नंबर 23 में क्या दिया हुआ है देख लेते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो क्वेश्चन नंबर 23 है आपकी स्क्रीन पे, ध्यान से देखिए। ए जो 12 दिन में कर सकता है, बी ए की तुलना में, इसमें देखो लैंग्वेज का फर्क है, सेम टू कॉपी क्वेश्चन है, ठीक है 22 और 23। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, बी ए की तुलना में 60% अधिक सक्षम है, बी सक्षम है। तो ए और बी दो लोग हैं, बी जो है ए की तुलना में 60% अधिक है, तो 5 ये है तो 8 ये है। अब ए जो 12 दिन में कर रहा है, तो टोटल वर्क निकालने के लिए 12 दिन में उसी की क्षमता का मल्टीप्लाई कर दूं, 12×5=60 हो गया, ये क्या है टोटल वर्क। अब 60 काम को इस क्वेश्चन में कराएगा दोनों से, तो देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, बी तथा ए मिलकर उस कार्य को कितने दिन में, टोटल काम कितना है 60 वर्क है, और दोनों मिलकर 8 और 5 कितने हो गए भाई 13 से डिवाइड कर देंगे, तो कितना हो जाएगा हमारा आंसर 60/13 हो जाएगा, जो कि हमें ऑप्शन में बहुत आसानी से मिल जाएगा ऑप्शन नंबर 4 में। समझ के, बहुत सिंपल है, फटाफट से नोट कीजिएगा। और प्लीज़ फ्रेंड्स, अगर आप इस चैनल पर नहीं हुए ना तो प्लीज़ सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिएगा मैथ स्पेशल क्लासेस को, जिससे कि आपकी मैथ्स की प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाए, ठीक है फ्रेंड्स। और फिर वीडियो को कंटिन्यू देखें, ठीक है, किसी भी दिन छुट्टी नहीं करनी, आप लोग डेली देखोगे तब जाकर आपका एकदम परफेक्ट होगा मैथ, ठीक है। और क्वेश्चन सबसे पहले पढ़ा कीजिए, क्वेश्चन जब तक रीड करोगे समझो क्वेश्चन को फिर सॉल्व करो, ठीक है। चलो फिर हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की ओर। क्वेश्चन नंबर 24 में क्या दिया है देख लेते हैं, बहुत अच्छे से सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 24 है, ध्यान से देखिएगा, बिल्कुल सिंपल, ठीक है। ए किसी कार्य को पूरा करने में 20 से 50% अधिक समय लेता है, यहाँ समय की बात हो रही है। ए किसी काम को करने में बी से 50% अधिक समय लेता है। बी अगर 2 ले रहा है तो ये कितना लेगा भाई 3। ये भी हमने कहाँ से सीखा, परसेंटेज से सीखा। वो कैसे, 50% 1/2 होता है, अगर ये 2 समय ले रहा है तो इसमें 1 जोड़ के कितना हो जाएगा 3। समझ गए, तो सारी चीज़ें जब परसेंटेज है तो उसे अच्छे से पढ़ लीजिएगा, जो कि सारा कंप्लीट कर चुके हैं हम किरण पब्लिकेशन बुक से ही, ठीक है। चलो फिर हम आगे देख लेते, 50% अधिक समय लेता है, ये क्या है मेरा टाइम। अच्छा मैं एफिशिएंसी निकालूं तो एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी 2/3, ये क्या है मेरी एफिशिएंसी। समझ गए, चलो तो आगे की ओर चलते। ये क्यों हुई, क्योंकि समय का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है एफिशिएंसी, ठीक है। आगे देखते क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, यदि वे दोनों एक साथ कार्य करते हैं तो उन्हें कार्य पूरा करने में 18 दिन लगते हैं। भाई 18 दिन में दोनों मिलकर कर रहे हैं, तो भाई ये दोनों के दिनों, तो दोनों की क्षमता का मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये क्या निकल के आएगा भाई 90 डेज हमारा टोटल वर्क निकल आया। अब इस काम को करा किससे रहा है, तो बी अकेले इस कार्य को कितने दिन में करेगा, तो बी की इफिशियंसी कितनी है भाई 3, 3 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा 30 डेज, और ये क्या हो जाएगा हमारा फाइनली आंसर। समझ गए, बहुत सिंपल है, फटाफट से नोट कीजिएगा। तो 30 डेज आपका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। समझ के, फटाफट से नोट कीजिएगा। ओके फिर हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 25 की ओर। क्वेश्चन नंबर 25 में क्या दिया हुआ है देख लेते हैं, ठीक है। तो
क्वेश्चन नंबर 25 है आपकी स्क्रीन पर, ध्यान से देखिएगा। 25 में क्या करें, प्रतिभा सोनिया से तीन गुना दक्ष है, तीन गुना अच्छी है, ये समझ लो। प्रतिभा है, प्रतिभा सोनिया से तीन गुना, एक एक काम ये करती है तो ये तीन कर लेती है उतने समय में, तीन गुना अच्छी है, ठीक है। आगे देखते हैं, इसलिए सोनिया 60 दिन कम समय में, कम या अधिक होते हैं, ये देखो दक्ष है, ये क्या है हमारी इफिशियंसी है। अगर मैं समय बनाऊं तो समय क्या हो जाएगा, एक और तीन, ये क्या है मेरा टाइम। अब देखो क्वेश्चन कह रहा है कम या अधिक, तो इन दोनों के बीच में दो का डिफरेंस है, जो कि कितना है 60 के बराबर, एक बराबर कितना हो जाएगा भाई, दो तीस छः, मतलब कितना होगा 30, एक बराबर 30 है तो मल्टीप्लाई कर दो 30 का, ये कितना हो गया 30 डेज हो गया। अब टोटल वर्क निकालना है, कहानी कहानी यहाँ पर है कि टोटल वर्क कैसे निकालेंगे भाई, किसी भी एक के या तो दिन ले लो, दिन में मल्टीप्लाई करते हैं उसी की क्षमता का, तो दिन कितने भाई 30, ठीक है समझ रहे हो, मैं एक को उठा रहा हूँ 30 दिन में और उसकी क्षमता कितनी है 3, तो 3 तिरका 9 मतलब 90 क्या हो गया टोटल वर्क हो गया। अगर आप इसे लेते तो इसमें मल्टीप्लाई करो कितना हो गया 90 डेज, और 90 मल्टीप्लाई 1 करते क्योंकि एस के दिन ले रहे तो एस का ही इफिशियंसी लेनी होगी। अभी मैंने फर्स्ट वाले के लिए, तो फर्स्ट वाले का टोटल वर्क आ गया 90। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है वो देख लेते, तो क्वेश्चन कह रहा है प्रतिभा और सोनिया अलग अलग उस कार्य को कितने कितने दिन में पूरा करेंगे, अलग अलग पूछे, दोनों के अलग अलग दिन निकाल लेते। तो इफिशियंसी देखो, अगर मैं फर्स्ट वाले केस में प्रतिभा के लिए निकालूंगा तो कितना हो जाएगा 90/3, 3 तिरकानों 30 डेज, और अगर मैं यहां पे इसके लिए निकालूंगा तो 90/ कितना करना पड़ेगा 1, तो कितना हो जाएगा 90 डेज। ये तो रही यहां की बात, तो यहां पर भी तो निकाल सकते थे, 1/30 दिन है तो इसका समय ही तो निकालना था। ये प्रतिभा अकेली तो भाई 30 दिन में कर रही है, 30 का मल्टीप्लाई यहाँ पे कर दे तो सोबे, ये कौन है सोबिया है, सोनिया है, सोनिया जो है वो 3 तिरका 9 90 दिन में कर लेती, ये भी तो समय ही है अलग अलग ही, तो 30 और 90, तो यहाँ से भी आप आंसर बोल सकते थे, ठीक है। तो फटाफट से नोट कीजिएगा प्लीज़, चलो फिर हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 26 की ओर। क्वेश्चन नंबर 26 में क्या दिया हुआ देख लेते हैं, ठीक है फ्रेंड्स, बहुत सिंपल वे से सॉल्व करेंगे एकदम परफेक्ट तरीके से, ठीक है चलो। तो क्वेश्चन नंबर 26 है, ध्यान से देखिएगा, सिंपल क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। ए एक दिन में बी से तीन गुना कार्य कर सकता है, ए जो है बी से तीन गुना कार्य कर सकता है, ए जो है बी से तीन गुना कार्य कर सकता है, ठीक है। क्वेश्चन आगे क्या कह रहा है, वे दोनों मिलकर एक कार्य का 2/5 भाग, एक कार्य का 2/5 भाग 9 दिन में कर रहे हैं। भाई इस सेंटेंस को सॉल्व करने के लिए थोड़ा सा आप प्रीवियस वाली चीज़ों पे याद करेंगे, 2/5 जो कि कितने दिन में हो रहा है 9 दिन में, मैंने आप लोगों को बताया हुआ है, जिन्होंने स्टार्टिंग से देखे होंगे तो वो ये लोग फॉलो कर सकते हैं। 5 का मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर 2 से डिवाइड देंगे, समझ गए, क्योंकि टोटल डेज निकाल लें टोटल वर्क की, समझ गए। तो हमें यहाँ पे भाग नहीं चाहिए होता, कुल काम चाहिए और कुल दिन चाहिए मुझे, तो यहाँ से हम कुल दिन निकाल सकते, 5 × 9 = 45 और 45/2 5 × 9 = 45/2, तो ये कितना हो जाएगा भाई 22.5, या फिर 22.5 बोल दो, 22 = 1/2 बोल दो, या 45/2 बोल दो, कोई दिक्कत नहीं है, ये भी सही है ये भी सही है, ये दिन हो गए मेरे, ठीक है ये तो दिन हो गए। लेकिन 2/5 भाग कर कौन कौन रहा था, ये देखिए ध्यान, वे दोनों मिलकर इस कार्य का 2/5, तो देखो भाई ये मेरे दिन आ गए, किसके हैं ये दिन, किसके हैं 45/2, भाई दोनों के हैं ना, 45/2 किसके हैं, दोनों के हैं, तो 45/2 डेज हैं और दोनों की इफिशियंसी कितनी है भाई 4, 2 × 2 = 4 = 45 × 90, ये क्या निकल के आया भाई, ये देखो ये समय था, ये क्षमता थी दोनों की, ए प्लस बी की क्षमता थी 4। अब ये 90 क्या है, 90 है टोटल वर्क। अब इस कुल कार्य को क्वेश्चन बोलता है कि क्वेश्चन ने बोला है कि बी अकेले इस काम को कितने दिन में करेगा, तो 90/1 कर देंगे तो कितना हो जाएगा भाई 90 डेज, ये क्या होगा हमारा सिंपली आंसर होगा, समझ गए।
कुछ नहीं करना है, ये सॉल्व किया यहाँ पे 45/2 की जगह आप 22.5 रख दीजिए, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है। इनटू कर देंगे, वो तो कैलकुलेशन की वजह से मैंने 45/2 का यूज़ कर लिया है। ओके, फटाफट से नोट कीजिएगा प्लीज़। सिंपल है, सारे क्वेश्चन बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। बस शर्त है कि आप लोगों ने परसेंटेज कंप्लीट अच्छे से कर लिया हो, ठीक है। जल्दी से नोट कीजिएगा। चलो फिर हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 27 की ओर। क्वेश्चन नंबर 27 में क्या दिया हुआ है देख लेते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो क्वेश्चन नंबर 27 है, ध्यान से देखिएगा, सिंपली फॉर्म में सॉल्व करेंगे। ओहो, ये तो अच्छा क्वेश्चन है। x प्लस 4 व्यक्ति, ठीक है, व्यक्ति द्वारा x प्लस 5 दोनों में। भाई देखो, x प्लस, मैंने आप लोगों को बताया है कि काम हमेशा नीचे, रुपए नीचे, बाकी सब ऊपर, समझ गए, बस वही फॉलो करना है। तो x प्लस, ध्यान से देखना, x प्लस 4 व्यक्ति, व्यक्ति है तो ऊपर रखेंगे। दूसरी क्या कह रहा है, दूसरा कह रहा है x प्लस 5 व्यक्ति, x प्लस 5 दिन में कर सकते हैं। और ये बराबर है किसके, x माइनस 5 ब्रैकेट में x प्लस 20। फाइनली इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो क्वेश्चन बोल रहा है तो x का मान क्या होगा, तो सॉल्व कर लेते हैं भाई, हमारा क्या जा रहा है। तो x का मल्टीप्लाई सबसे पहले इसमें करेंगे, तो x मल्टीप्लाई x एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब उसके बाद प्लस प्लस x का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो कितना हो जाएगा भाई, 5x हो जाएगा। ये तो इस x की कहानी ख़त्म हो गई। अब क्या करते हैं, इस 4 वाले से मल्टीप्लाई कर देते हैं, किससे, इस 4 से, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, प्लस 4x हो जाएगा, ठीक है। अब इस 4 का मल्टीप्लाई 5 में करेंगे तो प्लस 20 हो जाएगा, समझ गए। ये कितना हुआ, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4x प्लस 20, समझ गए। इसे मैं थोड़ा सा और छोटा कर देता हूँ जिससे ये इक्वेशन भी आ जाए। तो एक्स स्क्वायर प्लस 5 और 4 कितना हो गया, 9x प्लस 20। अभी मैंने सिर्फ इसी को छोटा कर दिया है, अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। एक्स 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 स्क्वायर प्लस 20x माइनस 5x माइनस 20 × 100, समझ गए, कोई दिक्कत नहीं है। ये माइनस का है इसलिए इसने इसे माइनस का कर दिया, इसे भी माइनस का कर दिया, तो 5x माइनस 100। अब देख लेते हैं, तो देखो यहाँ एक्स स्क्वायर है, ये एक्स स्क्वायर है, ये तो 28 हो, इनसे तो कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है। अब कितना बचा, 20 में से 5 गई, तो इधर तो देखो 9x प्लस 20 इज इक्वल टू, 20 में से 5 गई तो बचे कितने, 15x माइनस 100। ओके, अब देखो यहाँ पे मैं इधर लेके आऊँगा तो बचेगा कितना, 6x, किसका, माइनस का, क्योंकि इधर आएगी बड़ी वैल्यू, इज इक्वल टू 20 उधर भेजूंगा माइनस माइनस प्लस 120, लेकिन चिन्ह किसका है, माइनस का, माइनस से माइनस काट दो, 6 से 2 बार मतलब 20 बार कट जाएगा, और x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, फाइनली 20 डेज हमारा क्या हो जाएगा आंसर। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 20 हो जाएगी, समझ गए। x की वैल्यू कितनी निकल के आएगी यहाँ से, 20। फटाफट से नोट कीजिएगा, बस हमसे यही पूछा गया था कि x की वैल्यू क्या होगी, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, समझ गए। जल्दी से नोट कीजिएगा प्लीज। ओके, फिर हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 28 की ओर। क्वेश्चन नंबर 28 में क्या दिया हुआ है देख लेते हैं। अगर आप लोग नोट नहीं कर पाते तो आप प्लीज़ वीडियो पॉज करके आराम से नोट कर सकते हो, ठीक है। चलो फटाफट से चलते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 28 की ओर। क्वेश्चन नंबर 28 में क्या दिया हुआ है देख लेते हैं, ठीक है, ध्यान से देखना। बी की अपेक्षा ए दुगनी गति से काम करता है, बी की अपेक्षा ए जो है दुगनी गति से काम कर रहा है, अगर एक ये करता है तो दो ये करता है, बी की अपेक्षा ए दुगनी गति से काम कर रहा है, कौन कर रहा है,
ए दुगनी गति से काम कर रहे हैं, वे दोनों एक साथ काम करके किसी काम को 16 दिन में कर लेते हैं। भाई 16 दिन में दोनों मिलके कर रहे हैं तो 2 और 1 3, टोटल वर्क कितना होगा 16 * 3 = 48, ये हो गया कुल कार्य। क्वेश्चन आगे क्या बोला तो बताएं, ए अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा, ए की इफिशियंसी कितनी है 2, 2 से भाग कर देंगे तो कितना आ जाएगा 24 डेज हमारा क्या होगा फाइनली आंसर हो जाएगा। समझ गए, फटाफट से नोट कर लीजिएगा, सिंपल है, लैंग्वेज से खेलना सीखो। लैंग्वेज क्या बोल रही है, लैंग्वेज देखो, बी की अपेक्षा ए दुगनी गति से, ए खुद दुगना है तो मैंने एक से दुगना कर दिया, भाई दोनों मिलके 16 दिन में कर रहे थे, दोनों की क्षमता का मल्टीप्लाई कर दिया, टोटल वर्क आ गया, अब ए करेगा तो 2 से भाग कर देंगे 24 डेज हो जाएगा, जो कि हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, सॉरी ऑप्शन नंबर आपका 4th वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जल्दी से नोट कीजिएगा प्लीज। चलो फिर हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 29 की ओर। क्वेश्चन नंबर 29 में क्या दिया हुआ है देख लेते हैं, किस प्रकार से सॉल्व करना है वो भी सीख लेते हैं, है कि नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 29 है, ध्यान से देखिएगा, बहुत सिंपल वे में सॉल्व करेंगे। एक आदमी समान समय में एक लड़के से दुगना काम करता है, मतलब एक मेन है जो कि एक लड़के से समान समय में दुगना काम कर रहा है। भाई एक दिन में मैंने मान लिया एक काम ये करता है तो 2 काम ये करता है, ठीक है आगे देखते हैं। तो बताएं वह काम 3 आदमी और 4 लड़के कितने दिन में करेंगे, 3 आदमी और 4 लड़के कितने दिन में करेंगे जो 10 आदमी 8 दिन में कर रहे हैं। भाई टोटल वर्क निकालने के लिए लास्ट वाली लाइन उठा लो, 10 मेन 8 दिन में, ये क्या होता है भाई, दिन है 10 आदमी है, बस क्षमता मिल जाए, एम तो हमारे पास 2 है ही है, तो 10 से इंटू कर दिया, 2 का इंटू कर दिया 8 का, तो ये कितना हो गया भाई 160 हो गया, ये क्या निकल के आता है मेरा टोटल वर्क। अब 160 काम को वो कौन किससे करवा रहे, वो करवा रहे 3 आदमी और 4 लड़के, ठीक है कर देते हैं। तो 160 वर्क को कितने हैं दोबारा देखो, 3 आदमी 3 * m कितना है मेरा भाई 2, 3 आदमी + 3 आदमी है और 4 लड़के, 4 * कितना कर दूं भाई 1, तो ये कितना हो जाएगा 3 * 2 = 6 और 4 = 10, तो 160 / 10, 10 से 10 तो कितना हो जाएगा फाइनली जो आंसर होगा वो कितना हो जाएगा 16 डेज हमारा आंसर हो जाएगा, है ना बहुत सिंपल, कुछ नहीं है इसमें, मैन और बॉय की, लड़के और आदमी की इफिशियंसी निकल आई, टोटल वर्क हम निकालना सीखी गई थी, टाइप 4 में हमने सीखा था कि ये जो एरिया होता है वो टोटल वर्क होता है, 10 आदमी में अगर समय का मल्टीप्लाई प्लस क्षमता उसकी मिल जाए तो हमारा टोटल वर्क हो गया। अब इस काम को 3 आदमी और 4 लड़कों से करवाना है तो टोटल मिला के 10 हो गया, 10 से भाग करेंगे तो 16 दिन में वो कंप्लीट कर लेंगे, ये हमारा आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में हमारा आंसर मिल जाएगा। फटाफट से नोट कर लीजिएगा और प्लीज़ फ्रेंड्स, आप लोगों के लाइक्स और कमेंट बहुत कम आ रहे हैं तो प्लीज़ उम्मीद करता हूँ आप लोग ये ना कीजिए, ठीक है प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट कीजिए। ये सारी वीडियोस जो बनाई जा रही हैं, आपको कोर्स कराया जा रहा है किरण पब्लिकेशन का, वो आपके लिए है, ठीक है। चलो तो हम चलते हैं फिर अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 30 की ओर, देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 30 में क्या दिया है, कैसे सॉल्व करना है और किस प्रकार से करना है वो भी सीख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 30 ध्यान से देखिएगा, ए और बी मिलकर किसी काम को 9 दिन में कर सकते हैं। देखो ध्यान से, ए और बी मिलकर किसी कार्य को 9 दिन में कर सकते हैं। भाई ए प्लस बी किसी कार्य को 9 डेज में कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है पहली चीज मिल गई। ए किसी निर्दिष्ट समय में बी से दुगना काम करता है, ए जो है किसी समय में बी से दुगना काम कर रहा है, बस इतना याद रखो, ए जो है बी से किसी एक समय में 3 गुना काम करता है। भाई ठीक है हो गया सिंपल, आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, तिगुना काम कर लेता है तो ए अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा। भाई दोनों मिलके 9 दिन में कर रहे हैं, दोनों की क्षमता पता चल गई हमें, तो दोनों की इफिशियंसी कितनी है भाई 4, और 4 में अगर मैं समय का गुणा कर दूं तो वो बन जाएगा टोटल वर्क, कितना हो गया भाई 36, टोटल वर्क 36 है, किससे काम करा रहा है वो देख लो, बस उससे भाग कर दो, ए अकेला इस कार्य को कितने दिन में करेगा तो 3 से भाग कर देंगे, तो 3 से भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा 12,
ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर, है ना, बहुत सिंपल, फटाफट से नोट कर लीजिएगा। सिंपल क्वेश्चन है, बिल्कुल जीरो लेवल है, इनमें कुछ नहीं है, सिर्फ लैंग्वेज बड़ी बड़ी दे रखी है हवा जैसी, और एफिशिएंसी वाले क्वेश्चन आपने भी हवा बना रखे हैं, तो हवा वगैरह कुछ नहीं है, आप क्वेश्चन पढ़ते नहीं हो, क्वेश्चन पढ़ो, रीड करो, क्वेश्चन करने की कोशिश करो, सब हो जाएंगे, ठीक है। चलो फिर हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 31 की ओर। क्वेश्चन नंबर 31 को देख लेते हैं, क्या दिया हुआ है, कैसे करना है सॉल्व, वो सारी चीज़ें सीख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 31 है, ध्यान से देखिएगा, ए बी की अपेक्षा दुगुना कार्य दक्ष है, ए जो है बी की अपेक्षा दुगुना कार्य कुशल है, कार्य दक्ष है या कुशल है कोई दिक्कत नहीं, यदि बी अकेला किसी कार्य को 12 दिन में, भाई बी अकेला बोला है, ध्यान रखना बी अकेला किसी काम को 12 दिन में, तो हम इसमें जो है बी अकेला कर रहा है 12 दिन में, तो बी की इफिशियंसी कितनी है भाई एक, तो कितने दिन में टोटल वर्क कितना हो जाएगा 12। कि सर आपने दोनों का मल्टीप्लाई क्यों नहीं किया, भाई दोनों का मल्टीप्लाई नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पे जो दिन हैं वो सिर्फ बी के हैं, समझ गए, जिसके दिन दिए होते उसी की इफिशियंसी का मल्टीप्लाई करते, अगर दोनों के दिन देता तो मैं 3 का मल्टीप्लाई कर देता तो टोटल वर्क निकल आता, अभी लेकिन बी के दिन दिए तो एक का मल्टीप्लाई टोटल वर्क हो गया। आगे देख लेते क्वेश्चन क्या करें, तो ए और बी मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे, तो ए और बी की क्षमता कितनी है 3 से डिवाइड कर देंगे, 3 × 12 तो 4 दिन हमारा क्या हो जाएगा आंसर, क्योंकि एक दिन में 3 काम कर रहे हैं तो भाई 12 काम कितने दिन में कर लेंगे 4 दिनों में, फटाफट से नोट कर लीजिएगा, ये हमारा आंसर हो गया, है ना बहुत सिंपल, जल्दी से नोट कीजिएगा प्लीज। चलो फिर हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 32 की ओर। क्वेश्चन नंबर 32 में क्या दिया हुआ है देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 32 है आपकी स्क्रीन पर, ध्यान से रीड कीजिएगा। सबसे पहले ए किसी काम को 12 दिन में कर सकता है, भाई देखो ए जो है किसी कार्य को 12 दिन में कर सकता है, अब एक ही दिन पता है, कुल काम निकालने के लिए मुझे एक ही इफिशियंसी चाहिए, वो हमें मिल जाएगी, क्वेश्चन कुछ ना कुछ देगा हिंट। बी ए से 60% अधिक कुशल है, बी ए से 60% अधिक कुशल है, समझ गए, ये कहाँ से आया भाई 60% से, 60% कितना होता है 3/5, ठीक है। क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, बी जो है बी ए से 60% अधिक कुशल है, कौन बी, आप एक काम करो 100 से 160 कर लो, समझ रहे हो, अगर आपने परसेंटेज नहीं किया तो आप ये 100 से 160 कर सकते हो, और फिर इसे 20 से काट लो, 20 अट्ठे और 20 पंजे, 5 से 8 हो गया, समझ रहे हो बात को, वही चीज़ है, और अगर आप लोगों ने परसेंटेज कर लिया होगा तो सिंपल वे से कर सकते हो, 5 से 8 हो गया। अब देखो कुल काम निकालने के लिए ए के 12 दिन पता है मुझे, ठीक है, तो कुल काम के लिए ए की क्षमता और 12 × 60, अब इस काम को किससे करवा रहा है ये देख लो, तो बी उस काम को कितने दिन में करेगा, बी की क्षमता कितनी है भाई 8 है, 8 से भाग करूँगा तो कितनी बार जाएगा, 4 से काट ले, 4 से 15/2, तो मतलब कितना हो जाएगा 7 से ही 1/2, ये क्या होगा हमारा फाइनली आंसर हो जाएगा, समझ गए, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, 7.5 मतलब 7 से ही 1/2 ऑप्शन नंबर 2 में आपको मिल जाएगा, फटाफट से नोट कीजिएगा प्लीज। चलो फिर हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 33 की ओर। क्वेश्चन नंबर 33 में क्या दिया हुआ है देख लेते हैं, ठीक है फ्रेंड्स, ध्यान से देखिएगा, सिंपल है, अच्छा क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 33 है, ध्यान से देखें आपकी स्क्रीन पर है, यदि 10 व्यक्ति किसी काम को 20 दिन में कर सकते, यदि 10 व्यक्ति किसी काम को 20 दिन में कर सकते, कितने दिन में 20 दिन में कर सकते हैं, तो दुगनी क्षमता वाले, भाई 10 व्यक्ति यहाँ पे अगर एक क्षमता के, तो यहाँ पे दुगनी क्षमता वाले 10 व्यक्ति हैं, कितने दोबारा में 20 व्यक्ति हैं, तो 20 व्यक्ति दुगनी क्षमता वाले उसी काम को कितने दिन में करेंगे, बिल्कुल सेम है, कोई दिक्कत नहीं, देखो यहाँ पे मैंने दुगनी क्षमता मान ली, यहाँ पे जो व्यक्ति है ना 10 व्यक्ति उनकी क्षमता में मान लेता हूँ एक, जब अगर एक मानूंगा तो ये कितना होगा दुगना होगा, 2 मानोगे तो ये 4 होगा, 10 मानोगे तो ये 20 होगा, समझ रहे हो, आप अपनी तरफ से कोई भी रख सकते हो लेकिन दुगना होना चाहिए, दुगना जरूर है, दुगनी तो कंडीशन बोली गई है, समझ रहे हो बात को, फाइनली कैलकुलेट कर लो, 20 से 20 को उड़ा दो, 2 से 2 पंजे 10 कर दो, तो 5 क्या हो जाएगा इक्वल टू डी, डी फॉर डेज, ये क्या होगा हमारा फाइनली आंसर हो जाएगा।
है ना, बहुत सिंपल, कुछ भी नहीं है क्वेश्चंस में, बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हो। जल्दी से नोट कीजिएगा प्लीज। तो फिर हमारा जो है इस टाइप का लास्ट क्वेश्चन बचता है और इस चैप्टर का लास्ट टाइप भी बचता है हमारा, टाइप 7 और आएगा बस, उसके बाद टाइम एंड वर्क भी फिनिश हो जाएगा अच्छे से, ठीक है। चलो तो फिर हम चलते हैं इस टाइप को ख़त्म करने के लिए क्वेश्चन नंबर 34 की ओर। क्वेश्चन नंबर 34 को हम देख लेते हैं बहुत अच्छे से। 34 ध्यान से देखिएगा, शशि किसी काम को 20 दिन में कर सकती है, ठीक है, तान्या उससे 25% अधिक दक्ष है। अब देखो शशि और तान्या है, शशि और तान्या है, उसे छोड़ो 20 दिन को, तान्या उससे, किससे, शशि से, तान्या शशि से 25% अधिक दक्ष है, तान्या शशि से 25% 1/4, 4 से 5, ये हो गया, ये कहाँ से आया, परसेंटेज से। तो इसलिए तो हम गला फाड़ के बोलते हैं कि पहले परसेंटेज कंप्लीट कीजिए, समझ रहे हो बात को, और अगर आप समझ सकते हो तो समझ लीजिए। वो कैसे, 100 से हो गया 125, फिर इसे 5 से 25 से काट लो, 25 चौके 100, 25 पंजे 125, भाई 25% अधिक ही तो बोला है, तो 100 से 125 कर लीजिए, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है। अगर आप परसेंटेज कर लेते हो हमारे थ्रू तो आप 4 से 5 करना सीख जाओगे, है कि नहीं। चलो तो फिर आगे चलते हैं, अब जो है टोटल वर्क निकाल लो। तो शशि किसी काम को 20 दिन में कर रही है, तो शशि जो है 20 दिन में किसी काम को कर रही है, तो 20 चौक 80 क्या होगा भाई, टोटल वर्क हो गया। अब 80 टोटल वर्क है, तो क्वेश्चन क्या करें, तो वही काम तान्या कितने दिन में करेगी, तो 80 टोटल वर्क है और तान्या इस काम को कितने दिन में करेगी, तान्या की क्षमता कितनी, 5 से भाग कर दो, 16 पंजे 80, तो 16 डेज हमारा क्या हो जाएगा फाइनली आंसर, समझ गए, है ना, बहुत सिंपल, बहुत आसान वे से आप इसे भी कर सकते हो। तो हमारा जो एफिशिएंसी पर आधारित ये टाइप भी फिनिश होता है बहुत अच्छे से, फटाफट से नोट कर लीजिएगा प्लीज। ओके, फिर हम चलते हैं, अब मुलाकात होगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, जब तक के लिए बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखना। और फ्रेंड्स अगर आप इस चैनल पर न्यू तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा मैथ स्पेशल क्लासेस को, जिससे कि आपकी मैथ्स की प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाए, और सेकेंड पॉइंट कि आपके पास नोटिफिकेशन अपडेट पहुँच जाए जिससे आप टाइम टू टाइम स्टडी कर सको, ठीक है। चलते हैं अब हम, अपना ख्याल रखना, बाय, टेक केयर।